वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में नगर निगम जुट गया है। इसके तहत गंगा और गंगा घाटों पर गंदगी करने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। मोक्षदायिनी मां गंगा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का ये न सिर्फ समर्पण था बल्कि एक सपना भी था, और इस सपने को साकार करने में जुट गया है वाराणसी का नगर निगम। कोशिश यही है कि वाराणसी के अर्धचंद्राकार घाटों में चार चांद लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी है कि घाटों की खूबसूरती में दाग लगाने वाली गंदगी को हटाया जाए, पतित पावनी के आंचल को साफ किया जाए, और अब इस ओर नगर निगम प्रशासन ने बड़ा कदम उठा दिया है। धर्म नगरी काशी की पहचान गंगा और गंगा घाटों से होती है, और अब इस नई पहचान को एक नई ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इसी 80 घाट पर फावड़ा चलाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी, और अब इस अभियान को धार देने में जुट गया है वाराणसी का नगर निगम प्रशासन। दरअसल गंगा और गंगा के किनारे घाटों पर गंदगी करने वालों के खिलाफ जो वाराणसी का नगर निगम प्रशासन है वो सख्त हो गया है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी शख्स अगर इन घाटों पर गंदगी करता है तो उससे मोटा जो जुर्माना है वो वसूला जाएगा, और इस जुर्माने की जो राशि है वो 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गंगा किनारे आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन वो स्नान करते वक्त ये भूल जाते हैं कि इसकी वजह से जो गंगा है वो मैली हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्नान करते वक्त साबुन लगाते हैं, गंगा के अंदर जो कूड़ा कचरा होता है वो फेंकते हैं, और इसी को रोकने के लिए जो वाराणसी का नगर निगम प्रशासन है वो एक तरीके से सख्त हो गया है। हम आपको 80 घाट की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस निर्देश के बाद जो यहाँ के लोग हैं वो भी थोड़े से जागरूक नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच में दहशत भी नजर आ रही है, कूड़ा करकट जो फेंकने से वो लोग थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि एक जो जागरूकता है उसे और धार दिया जाए, ताकि जो गंगा के घाट हैं उसे एक और नई शक्लो सूरत दी जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में वाराणसी में कई वीआईपी प्रोग्राम होने वाले हैं जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग आएंगे। खासतौर से G20 समिट की भी बात कही जा रही है कि वो भी प्रस्तावित है, दुनिया के जो प्रमुख राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष वाराणसी पहुंचेंगे। इसके साथ ही नए साल पर लाखों की संख्या में जो पर्यटक होंगे वो वाराणसी पहुंचेंगे, तो इस दौरान न सिर्फ गंगा बल्कि गंगा घाटों की खूबसूरती भी वो देखेंगे। तो ऐसे में उन लोगों के बीच में कोई गलत मैसेज न जाए उसे देखते हुए वाराणसी का जो नगर निगम प्रशासन है वो अलर्ट हो गया है। गंगा का निर्मलीकरण जो कि जिसको हम माँ के रूप में पूजते हैं गंगा को, उसको गंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई है माँ गंगा की स्वच्छता को लेकर, उसी के क्रम में नगर निगम वाराणसी ने भी ये कमर कस ली है। अब ये यदि गंगा के अंदर कोई साबुन लगाते हुए नहाता हुआ व्यक्ति, कपड़े धोते हुए धोबी घाट जैसा बनाने वाले लोग, जानवरों पशु को नहलाने का कार्य, यदि किसी होटल रेस्टोरेंट के द्वारा वहां पे गंदी नाली नाला या सीवर बहाने का कार्य किया जाएगा तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए जैसा अभी आपने बताया जुर्माने की भी राशि वसूलने का कार्य किया जाएगा। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो एनवायरमेंटल टास्क फोर्स है, जैसा कि नाम से स्पष्ट विदित होता है कि एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोगों के द्वारा नगर निगम के स्थानीय स्तर पे एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका अगुवाई एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल राघविंदर मौर्या हैं, उनके द्वारा लगभग 22 इसमें कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत NMCG जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और SMCG जो कि प्रदेश स्तर पर कार्य करती है, उनके पदाधिकारियों को शामिल करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर निगम लगातार सतत निगरानी का भी कार्य करेगी। घाटों पर भी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं, जिसका कि त्रिनेत्र जो कि कमांड सेंटर हमारा है वहां से इसकी निगरानी सतत 24 घंटे होगी, और इसमें हमारे पास कुछ बोर्ड्स भी हमने हायर की है, और बोर्ड्स के माध्यम जैसा आपने बताया टोटल 88 घाट है, 84 पक्के घाट, 4 कच्चे घाट, उनकी भी निगरानी जो है हमारे टास्क फोर्स के द्वारा लगातार गंगा के अंदर जो है एक अपना रूट मैप बनाते हुए प्लान करते हुए गंगा घाटों के अंदर कोई गंदगी ना भाए उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अगर आप वाराणसी के गंगा घाटों पर कूड़ा फेंकते हैं
या गंदगी करते हैं तो अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है, भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है। स्पेशल टास्क फोर्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से वाराणसी के सभी 84 घाटों पर निगरानी रखी जाएगी। बहुत जरूरी है, कारण क्या है कि जब हम खा रहे हैं फेंक रहे हैं तो उसको हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, उसको उठा के बढ़िया डस्टबिन रखा हुआ है, सब जगह फेंका हुआ है, सबको सैलरी दिया जा रहा है, उसी लिए सबको काम किया जा रहा है, तो हम सड़क पे क्यों फेंके? उसमें जुर्माना लगना चाहिए, क्यों नहीं लगे भाई? लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। मानेंगे क्या नहीं? बस उनके लिए दरवाजा दूसरा खुला हुआ है योगी सरकार जी का, हाँ वही जाए। आप ये बताइए कि इतना बड़ा नाला बह रहा है, गिर रहा है 50 सालों से, अभी 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ, नाला पूरी तरीके से जो है ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा है, तो आप अपनी गंदगी तो गिराओगे, और दूसरे में एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसके यहाँ कोई संसाधन नहीं, उसको उठा के जेल में डाल दोगे, ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं पिछले 5-6 साल से इंदौर में ही था, तो इंदौर का जो अर्थव्यवस्था है वहां पे मैं देखा हूँ सफाई को लेके, तो हर नागरिक जागरूक है वहां का, लेकिन अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो खुद नागरिक के वजह से ही गंदगी हो रही है, तो ये जुर्माना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, इसलिए कि कम से कम डर के हम वो गंदगी ना फैलाएं या ना करें। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है सर, लेकिन मेन बात ये है ना कि जब तक यहाँ जो किनारे रहने वाले लोग हैं या फिर जो लोगों का बिहेवियर है, जब तक वो गंगा के प्रति नहीं चेंज हो, ऐसे एक नदी मान के इसको नहीं रखना है, जैसे हमारा ऐतिहासिक महत्व है इसका, गंगा का, तो हमें लोगों के विचार में लाना पड़े, गंगा हमारी एक माँ की तरह है और जल भी एक माँ ही की तरह, क्योंकि वो हमें जीवन देता है, जल ही जीवन है ये हमारा नारा है, तो ये हमें बच्चों के व्यवहार में लाना पड़ेगा, जो बड़े हैं जो बूढ़े हैं उन लोगों को अपने बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें लानी पड़ेंगी, तब जाके कुछ ज़्यादा एक्शन में आए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो ऊपर लेवल पे काम कर रही वो ठीक है, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे हम अपने लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। रोली जी, कितना जरूरी हो गया था इस तरीके का जुर्माने लगाने का जो प्रावधान है? बहुत जरूरी। हम तो इस सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, इसमें आम जन के भी ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि हमें प्लास्टिक, हमें माला फूल, हमें कचरा नहीं करना है, तो ये एक जरूरी है। पिछले 8 सालों में बनारस के गंगा घाटों पर नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान चल रहा है, इस अभियान को काफी हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी कई ऐसे घाट हैं जहां पर सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा में गिरता है। माँ गंगा हमारी आस्था के साथ साथ आजीविका भी हैं, और हमें माँ गंगा के तट पर सफाई का जिम्मेदारी सामूहिक रूप से निभानी होगी, और इसी के तहत मुझे लगता है कि नगर निगम चेता है, जागा है, और जो लोग गंगा में साबुन लगाते हैं, गंगा में सीवर अपने घरों का बहाते हैं, व्यक्तिगत रूप से जिनके घर होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं उन पर यह जुर्माना लगाने का जो प्रावधान नगर निगम की तरफ से जो बनाया जा रहा है यह स्वागत योग्य है, और देर से सही लेकिन दुरुस्त कदम नगर निगम प्रशासन की ओर से यह उठाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले 9 वर्षों से गंगा की सेवा में अनवरत गंगा घाटों पर किसी न किसी घाट पर जाते हैं, और वहां भी हमने कभी कभी देखा है कि कुछ सीवर कभी कभार बहते भी रहते हैं। यह भी निश्चय करना पड़ेगा कि हमें गंगा में जहां जहां सीवर और बह रहे हैं उनको भी रोकने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।